ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2024 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2003 को सुनाए थे। 18 जनवरी बाप दादा का स्मृति दिवस, सो स्नेह का दिवस है। तो आज बाप दादा अपने सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं, जैसे अमृत वेले से भी पहले से बाप दादा के पास पहुंच रही थी। और सचमुच जैसे स्नेह का सागर बाप दादा बच्चों के स्नेह के सागर में समा रहे थे। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के स्नेह की शक्ति अटूट है। यही स्नेह की शक्ति उन्हें सहज योगी बना रही है और सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आदि काल बाप दादा द्वारा या कोई ना कोई विशेष आत्माओं के द्वारा न्यारे प्यारे स्नेह का अनुभव हर एक आत्मा ने किया है और उसी से ही ब्राह्मण जन्म हुआ है। और यही स्नेह की शक्ति आगे बढ़ा रही है। बाबा कहे आज ये विशेष बाप और बच्चों का स्नेह का दिन है। हर एक अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियां मर्च रही, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्च रही। फिर बाबा कहे आज के दिवस को स्मृति दिवस भी कहते हैं। स्मृति दिवस ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस नहीं, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा ये याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक तो क्या क्या स्मृतियां दिलाई है। बस स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएंगी। जैसे बाबा कहे सबसे पहली स्मृति कौन सी बाबा ने दिलाई कि मैं कौन, और इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। आत्मिक स्मृति जागृत होते ही नया जन्म मिला, दृष्टि वृत्ति स्मृति सब परिवर्तन कर दिया। और ऐसी स्मृति याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ जाती है। तो बाबा कहे बच्चे स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरण करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार अगर याद रहे तो बाबा कहे वही स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थी स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन के साथ साथ समर्थी दिन भी कहते हैं। बाबा कहे ब्रह्मा बाप सामने आते ही बाबा से दृष्टि लेते ही जैसे आत्माओं में समर्थि आ जाती है, चाहे साकार रूप में भी देखा चाहे अव्यक्त रूप में पालना में पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थि स्वतः आ जाती है। इसलिए बाबा कहे ओ समर्थ आत्माएं, अब आत्माओं को अन्य आत्माओं को भी अपनी समर्थि से समर्थ बनाओ। बाप दादा ने यही देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने देखा कि बच्चों ने शिवरात्रि का बहुत धूमधाम से मनाने का संकल्प किया है, तो बाबा ने कहा कि सबको उमंग है ना कि शिवरात्रि के प्रोग्राम को बड़े धूमधाम से मनाए, ऐसी कमाल करे जो धमाल खत्म हो जाए। अर्थात बाबा कहे ऐसे जय जयकार हो जाए कि वाह वाह समर्थ आत्माएं वाह।
और भटकती आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को भी अंजलि दे दो। आजकल परमात्मा से भी ज्यादा भक्त आत्माएं किसको याद करती है? शक्तियों को याद करती है या देवों को याद करती है? हनुमान को याद करते, गणेश जी को याद करते। तो बाबा कहे, ज्यादा से ज्यादा आपको रोज याद करते हैं, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो, ऐसे पुकारती है। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को ज्यादा याद करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, आज के दिन स्मृति द्वारा सर्व सामर्थ्यां विशेष प्राप्त की। अब शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते कि विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। बाबा कहे, ये लक्ष्य रखो कि उन्हों का उलहना पूरा करना है। ये नहीं कि अभी तो विनाश की डेट नहीं दिखाई देती है तो बाद में पूरा कर लेंगे। बाबा कहे, बाद में अगर पूरा किया तो भी वो उलहना देंगे कि हमें पहले से क्यों नहीं बताया। तो हम भी कुछ वर्षे की अंजलि प्राप्त कर लेते थे। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। बाबा कहे, प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व रखती है। तो शिवरात्रि पर हरेक को बाप के बर्थडे पर मुख मीठा कराओ। ये संदेश मिल गया, ऐसी दिल खुश मिठाई खिलाओ। बाबा कहे, सबको खुशी हो। फिर बाबा ने देखा कि अमृत वेले बच्चों के अंदर विशेष प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब कर्म योगी की स्टेज में आते हैं तो जो अमृत वेले का नशा है उसमें अंतर पड़ जाता है। और उसका कारण क्या है? तो बाबा कहे, सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। तो उसकी विधि बाबा बता रहे हैं आज, एक कर्म करते हुए भी मैं आत्मा, जो बाबा ने भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं, उस स्वमान को धारण करते हुए मैं आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाली हूं। ये कर्मेंद्रिया कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूं, न्यारी हूं, ये अनुभव करो। बाबा ने मिसाल दिया कि जैसे लौकिक में कोई डायरेक्टर होता है कंपनी का, तो वो अपने साथियों से कार्य कराते, अपनी ड्यूटी बजाते हुए कभी भूलता है क्या कि मैं डायरेक्टर हूं? तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं ये समझकर कार्य कराओ। ये आत्मा और शरीर, शरीर करनहार है, मैं आत्मा करावनहार हूं, ये स्मृति मर्च न हो तो कभी कर्म योगी स्टेज में अंतर नहीं पड़ेगा। फिर बाबा ने स्मृति दिलाए कि ब्रह्मा बाबा की अभ्यास की डायरी आप सभी ने देखी है, कि बाबा उस समय डायरी में लिखते थे साकार रूप में जब थे कि मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, बच्चे आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया, ये पहला पाठ कि मैं कौन, ये अनुभव किया कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूं। करावनहार अलग है, करनहार अलग है। दूसरा, ब्रह्मा बाबा का अनुभव भी सभी ने सुना है कि रोज रात को बाबा अपनी दरबार लगाते थे और मन मंत्री से पूछते थे कि हे मन मंत्री, तेरे कर्मेंद्रिय रूपी सारे कर्मचारी ठीक रहे? किसी कर्मचारी ने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया? ऐसे हालचाल पूछते थे। तो बाबा कहे, जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो लास्ट बच्चे भी साथ रहे उन्होंने अनुभव किया कि बाप कार्य करते शरीर में होते हुए भी
अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव किया। चाहे साकार बाबा को कर्म का हिसाब किताब चुकतु भी करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतु होने का एहसास कराया। बाबा दादी को देखकर पूछते, आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना, तो इतना न्यारा प्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज, ये बहुत काल के अभ्यास से तब जाकर अंत में वही स्वरूप अनुभव हुआ। ये बहुत काल का अभ्यास ही काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, नहीं। बाबा कहे बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। इसलिए बाबा विशेष बच्चों को अंडरलाइन करा रहे हैं, अटेंशन खिंचवा रहे हैं साक्षीपन के अभ्यास का। बाबा कहे चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यही अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और प्यारा बना देंगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। बाबा के क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावन हार की स्टेज का, अशरीरी की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। फिर बाबा कहे बाप समान बनने का लक्ष्य है ना, बाप निराकार और फरिश्ता है, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना, जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते बात करते कारोबार करते अनुभव किया जैसे बाबा न्यारा है। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना यह तो थोड़ा समय हो सकता, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ता हो, बाबा कहे बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए कार्य करो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को सभी ने देखा अनुभव किया। तो बाबा कहे जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज नई जीवन नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी उतना अभी किसकी भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होना। तो जिससे प्यार होता है उन जैसा बनना है। जब संकल्प है ब्रह्मा बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ अटेंशन दो, ये साधारण जीवन नहीं है। फिर बाबा ने कहा आज बाप दादा स्मृति दिवस पर वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? समानता के समीप आओ समीप आओ समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे चाहे संकल्प चाहे बोल चाहे कर्म संबंध संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्वस्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल स्नेह के मोती की माला है, बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। 18 जनवरी स्मृति दिवस होने के कारण
बाबा कहे सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह की मीठी मीठी याद के भिन्न भिन्न बोल स्नेह के मोतियों की माला बाबा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा स्वयं स्नेह का सागर है, परंतु स्मृति दिवस पर जो बच्चों का स्नेह होता है उस सागर में बाप दादा भी समा जाते हैं। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। परमात्म स्नेह ही एक ऐसी शक्ति है जो हर एक को सहज योगी भी बना देती और बाबा कहे सर्व आकर्षणों से भी उपराम होकर के आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न हो। बाबा ने चारों ओर के बच्चों को देख करके ये देखा कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न हो। हरेक के पास स्नेह के अनुभव के आधार से ही बाबा के बने हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। बाबा कहे ब्राह्मण जन्म हुआ ही स्नेह की शक्ति के आधार से और यही स्नेह की शक्ति वरदान बन करके उन्हें आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियां आज के दिन मर्ज है लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। स्मृति दिवस मना बाबा के साथ का अटूट स्नेह तो और शक्तियां सारी मर्ज हो जाती है, एक स्नेह की शक्ति ही सबके दिलों में इमर्ज रहती है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। हमेशा बच्चे बाबा के स्नेह में लवलीन होते हैं, लेकिन 18 जनवरी बाप दादा बच्चों के स्नेह में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं, तो स्नेह का दिवस के साथ साथ स्मृति दिवस भी कहते हैं। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा ये याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई है। वह स्मृतियों की माला याद करो, बाबा कहते वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। इतनी बाबा ने बच्चों को स्मृति दी हुई है। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? सबसे पहली स्मृति कौन सी मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया, वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में
मुख में आ जाती है। हाँ, बाबा ने सबसे पहली स्मृति ही हमें दिया, मैं कौन, और उस स्मृति ने ही जीवन को परिवर्तन किया। लेकिन जीवन के साथ साथ दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को भी परिवर्तन किया, और ये स्मृति से ही बाबा कहे रूहानी खुशी की झलक नैनों में और मुख में आ जाती है। आप स्मृतियां याद करते और भक्त क्या करते हैं? बाबा कहे आप स्मृति स्वरूप होते हैं याद करते हुए, और भक्त माला सिमरण करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। जितना कोई भी एक स्मृति धारण कर ले मन बुद्धि के अंदर और बार बार उसको याद करे तो बाबा कहे वह स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसे ही समर्थी स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। बाबा कहे ब्रह्मा बाबा जैसे ही सामने आते हैं और बाबा से जैसे दृष्टि लेते हैं तो बाबा की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी है, सभी अनुभवी है ना, चाहे साकार रूप में देखा चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए वो समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। बाबा क्या कहे, ओ समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना, है उमंग, असमर्थ को समर्थ बनाना है ना, असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। बाप दादा ने क्या देखा कि चारों ओर जो कमजोर आत्माएं हैं उनको समर्थ बनाने का हर एक में उमंग बहुत अच्छा है। फिर बाबा कहे शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं ना, सभी के मन में यही था कि शिवरात्रि का प्रोग्राम इस बार बहुत धूमधाम से करें। सबको उमंग है ना, जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे वो हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, बाबा कहे शिवरात्रि पर ऐसी कमाल करो जो धमाल खत्म हो जाए, अर्थात जय जयकार हो जाए, वाह वाह समर्थात्मय वाह, ये नारा गूंजे चारों ओर। ऐसा जय जयकार हो जाए वाह वाह समर्थात्मय वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना, पंजाब ने भी बनाया है ना, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। बाबा कहे ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो, फिर भी आपके भाई बहन हैं, तो अपने भाइयों के ऊपर अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना, पूछते बाबा रहम आता है ना,
देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते हैं, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश हनुमान है और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं, आपदाओं के समय ज्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है, वो देवियां, वो गणेश हनुमान बाबा के कौन है? आप ही हो ना, आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु, दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। कहते हैं जरा सी सुख शांति की बूंद दे दो, आप द्वारा एक बूंद की प्यासी है, तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज हे शक्तियां, हे देव, नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है ना? बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। भक्त आत्माएं, बाबा कहे जब बाप दादा सुनते हैं तो भक्त आत्माएं क्या करते हैं? शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है, बाबा को ये प्रोग्राम पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व सामर्थ्यां विशेष प्राप्त की। पूछते बाबा कि स्मृति दिवस तो सदा है ही, लेकिन आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व सामर्थ्यां विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है, संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उलहना उतार दो, बाबा कहे अपना उलहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो कभी भी उलहना पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं, अगर अभी से उलहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलहना मिलेगा। बाबा सावधान करते हैं कि यह भी उलहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम भी कुछ तो बना देते, हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे। लास्ट में अगर अंजलि मिली तो अहो प्रभु कहेंगे, इसलिए उन्हें भी कुछ न कुछ तो वर्ष की अंजलि लेने दो, कुछ तो पुरुषार्थ करें, कुछ न कुछ वर्षे की अंजलि लेने दो, उन्हों को भी कुछ समय दो, एक बूंद के भी प्यास तो बुझाओ। बाबा कहे एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ, प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। जो बहुत प्यासे होते हैं उनके लिए तो एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना, कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को हे तृप्त आत्माएं संदेश दो, संदेश दो। बाबा भी कहे नगाड़ा बजा रहे बाबा हरी झंडी देते हुए, हे तृप्त आत्माएं संदेश दो आत्माओं को। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करें कि हाँ हमें संदेश मिल गया, यह दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। बाबा कहे दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ और खिलाओ, संदेश सुना करके इन्हें दिल खुश मिठाई खिला दो।
साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है, पहली लाइन को है, बहुत धूम मचाओ शिवरात्रि पर। बाबा कहे बहुत धूम मचाओ, कम से कम यह तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाए। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है। बाबा ने क्या देखा कि अमृत वेले बच्चों की याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता। अमृत वेले तो बहुत अच्छा नशा रहता, लेकिन जैसे ही कर्म योगी की स्टेज में आते तो थोड़ा अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? पूछते बाबा कारण क्या है। कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। सिर्फ सोल कॉन्शियस नहीं रहता, कर्म कॉन्शियस ज्यादा रहता है। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो। तो बाबा कहे जो भिन्न भिन्न आत्मा के स्वमान मिले हुए हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाली हूं। तो सोल कॉन्शियस रहने के लिए विधि बताते, कर्म करते मैं आत्मा। जो भिन्न भिन्न स्वमान आत्मा को मिले हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाली हूं। ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूं, न्यारी हूं। क्या लौकिक में भी, एग्जाम्पल बाबा देते हैं, क्या लौकिक में भी डायरेक्टर, कोई कंपनी का डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है क्या कि मैं डायरेक्टर हूं? हर कर्म कराते ये याद रहता है कि मैं डायरेक्टर हूं। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं ये समझकर कार्य कराओ। ये आत्मा और शरीर, वह करनहार है और वह करावनहार है, यह स्मृति मर्ज हो जाती है। इसलिए कर्म योगी के समय अंतर पड़ जाता। तो बाबा ने विधि बताई कि मैं आत्मा श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से कर्म कराने वाली हूं, और ये करण हार है। आप सबको, पुराने बच्चों को, बाबा कहे जो सामने बैठे थे उसमें भी पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, साकार बाबा के पास एक डायरी थी, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, ये बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूं ही आत्मा, अनुभव करे मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूं। करनहार अलग है, करावनहार अलग है, करनहार अलग है, करावनहार अलग है। तो ये ब्रह्मा बाबा के समान पहला अभ्यास। फिर बाबा कहे ब्रह्मा बाबा का दूसरा अनुभव भी सुना है कि ये कर्मेंद्रिया कर्मचारी है। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो
तो मालिक बन इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। ब्रह्मा बाबा का ये दूसरा अनुभव है कि रोज रात को बाबा अपनी दरबार लगाते थे और आत्मा मन रूपी मंत्री से पूछता था कि हे मंत्री, आज तुम्हारे कर्मचारियों ने कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दिया, ये देखो। और इस तरह से हालचाल लेते थे अपने दरबार का। तो मालिक बन इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने ये अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी, और शरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। जैसे बाबा एकदम अशरीरी होकर के चल रहे थे। दादी तो सुनाती थी कि बाबा जब चलते थे तो ऐसा लगता था इतना न्यारा कि जैसे एक बादल वहां से गुजर गया, इतना बाबा लाइट और न्यारा होकर के चलते थे और शरीरी स्थिति में चलते थे। चाहे कर्म का हिसाब भी चुक तो करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुक तो होने का अनुभव कराया। ये किसी को महसूस ही नहीं हुआ कि बाबा कोई कर्म का हिसाब किताब चुक तो कर रहा है। आपको मालूम पड़ा? बाबा दादी को देख करके पूछते हैं, सामने दादी ही खड़ी थी उस वक्त। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल के अभ्यास से बनती है। तो बहुत काल से अभ्यास की तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। ये बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देह भान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंत काल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, इसका भी कभी भी आ सकता है। अंत काल कभी भी किसका भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देंगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बहुत काल का अभ्यास होगा तो अंत काल, अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। फिर बाबा कहे बाप समान बनना है ना, तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, फरिश्ता रूप को साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं, कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो।
आप सब फरिश्ता हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा और ये एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव किया, जो भी निमित है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसी की भी नहीं है। बाबा के जितना इस नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतना अभी किसकी भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना, अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत है, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत है, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। बाबा कहे आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता है। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा कौन सा वरदान दे रहे हैं? समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अब कहे बहुत काल से ये अनुभव करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं और मधुबन वालों के क्रोध मुक्त की रिपोर्ट, समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा हिम्मत पर खुश है और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहन रखना। बाबा कहे आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए, क्रोध मुक्त रहने के लिए कौन सा कवच? सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे, ये कवच में आप सदा सेफ रहेंगे। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स को देखते हुए कहा, डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है,
क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं कि हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं ना, तो हम भी दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना दी है। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते हैं। मुबारक हो, सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ता बनकर उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है, बाबा ये नहीं देख रहा है कि 35 देशों से आए हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं आप? 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे हैं। तो नंबर वन बाप समान बनने वाले हो ना, नंबर वन की नंबर वार बनने वाले हो, नंबर वन के नंबर वार बनने वाले हो। नंबर वन नंबर वार नहीं, नंबर वन बनना अर्थात हर समय विन करने वाले। वन बनने वाले हमेशा विन करने वाले। जो विन करते हैं वह वन होते हैं। तो ऐसे होना बहुत अच्छा। विजयी है और सदा विजयी रहने वाले, वरदान दे दिया बाबा ने, विजयी है और सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहां जहां जाओ वहां यह स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को वन नंबर बनना है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। और पांडव चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, पांडव सदा पांडव पति के साथी रहे हैं। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। फिर बाबा ने दादी जी को देखते हुए कहा, आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर्स मिले ना, विल पावर्स का वरदान है। बहुत अच्छा पार्ट बजाया है, इसकी मुबारक है। सभी की दुआएं आपको बहुत है। आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते हैं। बोलो या नहीं बोलो, आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हैं हमको हो रहा है। इतना प्यार है सभी का है। फिर दादी ने कहा, हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। बाबा कहे, प्यार तो है बहुत सभी से, ये प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो ज्यादा हो लेकिन प्यार चला रहा है। बहुत अच्छा। फिर ईशु दादी को देखते हुए बाबा ने कहा, इसने भी हिसाब चुकतू कर लिया, कोई बात नहीं। उस समय दादी को कोई छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, तो बाबा कहे, हिसाब चुकतू कर लिया, कोई बात नहीं, इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब चुकतू, सहज ही हो गया। सोते सोते आराम मिला विष्णु के मुआफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने हैं। तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती हैं। सभी दादियां बाप दादा के बहुत बहुत समीप है, समीप रत्न है, और सबको दादियों का मूल्य है। संगठन भी अच्छा है। आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की है और करते रहेंगे। यह एकता सभी सफलता का आधार है। फिर बाबा बीच में है, बाबा को बीच में रखा है। जैसे लास्ट में दादियां ऊपर जाती है तो बाबा बीच में है।
बाप को बीच में रखा है, ये अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, सभी ठीक है? आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसा संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहां सदा साथ भी है और साथी भी है, वहां कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो, तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।